हेलो एवरीवन, आई एम सिमरान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो होने वाला है क्रिसमस स्पेशल। आप लोग में से ज़्यादातर लोग ऑलरेडी क्रिसमस की तैयारियां शुरू कर चुके होंगे। क्या आप भी अपने हाथों से बनाए हुए आइटम को डेकोर करते हैं? अगर करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एनीवेज, आज मैं बनाने वाली हूँ क्रिसमस ऑर्नामेंट्स, क्रिसमस डेकोरेशन आइटम्स, जो कि बनाना ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फॉर आवर फर्स्ट आइटम आई एम टेकिंग दिस ब्लैक चार्ट पेपर, माई फेवरेट कलर। मैंने इसके दो सेम साइज के स्क्वायर कट किए हैं। अब इस स्क्वायर को मैं चारों साइड से फोल्ड कर रही हूँ। इसे बीच में से ऐसे कट करना है एंड मेकिंग श्योर कि सारी कट सेम लेंथ की हो। नाउ फोल्डिंग दिस कॉर्नर ऑफ द पेपर टू मेक इट पॉइंटी। ऐसा सेम हमें चारों साइड करना है। अब बस हमें ग्लू स्टिक लगाकर दोनों साइड को ऐसे पेस्ट करना है। और ये रेडी हो गया अपना फर्स्ट डेकोर। जस्ट किडिंग, इसके एक साइड में लगा रही हूँ ये स्ट्रिंग जिससे हम इसे हैंग कर सकेंगे। सेकेंड पेपर भी रेडी कर लिया है। अब बस हमें इसे ग्लू गन से ऐसे चिपकाना है इस तरह। आप चाहें तो इसे अपोजिट साइड में भी लगा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये स्टार? चलो अब बनाते हैं सेकेंड आइटम। इसके लिए मैं ले रही हूँ ये दो पेपर जिसकी मेजरमेंट आपको स्क्रीन में दिख जाएगी। इस पेपर को हमें इस तरह फोल्ड करके इसकी जान निकालनी है। यहाँ भी हमें दोनों पेपर सेम ही बनाने हैं। एक साइड से हमें पेपर को फोल्ड करना है इस तरह टू टाइम्स। अब इसकी फोल्ड की हुई लेयर को हमें प्रेस करके ऐसे फोल्ड करना है। सेकेंड पेपर भी मैंने इसी तरह रेडी कर लिया है। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है स्टिक से। पहले एक साइड को जोड़ रही हूँ, इसके बाद दूसरे साइड को भी जोड़ना है। ऑलमोस्ट रेडी। इसे हाथों से हमें बाहर की तरफ ऐसे प्रेस करना है। इसके बीच में हम ग्लू गन लगाकर इसे सिक्योर कर देंगे। दिस इज ऑल्सो रेडी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो बनता है यार। ओके, तो ये है मेरी मम्मी का कंगन जो मैं उन्हें बिना बताए यूज़ करने वाली हूँ अपने थर्ड आइटम के लिए। यहाँ पे मुझे चाहिए कि ग्लिटर फॉर्म के दो स्ट्रिप्स जो कि 2 सेंटीमीटर के हैं। इसे मैं पतले पतले स्ट्रिप्स में कट कर रही हूँ। इसके लिए मुझे मम्मी से ज़रूर डांट पड़ेगी। खैर, वो बाद में देखेंगे। अभी इस पर ग्लू लगा कर हमें अपनी स्ट्रिप्स को ऐसे रोटेट करते हुए ऊपर की तरफ लगाना है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, मगर वेट कीजिए फाइनल रिजल्ट का। दूसरे स्ट्रिप्स को मैं अपोजिट साइड में लगा रही हूँ। इस बीच की जगह को भी मैंने फिक्स कर दिया है। एक छोटा सा सिल्वर ग्लिटर फॉर्म ले रही हूँ जिससे बनाऊंगी क्यूट सा बो। वाओ, सो क्यूट। अब ग्रीन कलर की फॉर्म से मैं बनाने वाली हूँ छोटी सी बेल। अब इन सब को हमें लगाना है अपने बैंगल के ऊपर। इसमें छोटे से कॉटन बॉल्स लगा रही हूँ जिससे ये बिल्कुल बेल की तरह लगे। इस पर ये स्ट्रिंग लगाकर इसे फिनिश करते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो ये रेडी हो गया हमारा थर्ड डेकोर आइटम। अब क्यूट है कि नहीं ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मम्मी ने मुझे डांटा या नहीं ये मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैरी क्रिसमस। बाय बाय।